मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर और सभी किसान भाइयों के लिए एक अच्छी जानकारी लेकर। दोस्तों, माहौल बदलते में देर नहीं लगती है। बहुत से भविष्यवक्ता थे, बहुत से मंडलीय थे, अब वो व्हाट्सएप ग्रुपों से गायब हो चुके हैं। जो लोग आलू को 200-300 रुपए कट्टा बिकवाने वाले थे, बहुत लोग इन दिनों जो बीच में जो 15 या 20 दिन का जो समय निकल के गया, दोस्तों किसानों में घबराहट पैदा की गई और उस घबराहट का लोगों ने फायदा लेना चाहा कि इस एक बार अगर मार्केट हम क्रैश कर देंगे तो उसके बाद मार्केट रिकवर नहीं हो पाएगा। तो प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती है दोस्तों। आज जो लोग बार बार ये कह रहे थे कि नया आलू आ जाएगा, ये हो जाएगा, आज वो लोग भी सच्चाई देखकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। दोस्तों, गलती इंसान से ही होती है, ऊंच नीच हो जाती है। हम सब लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। मेरे साथ 1.25 लाख लोग जुड़े हुए हैं। 48 घंटे के अंदर मेरे चैनल पर 90 से 1 लाख लोग मेरे चैनल को देखते हैं। अगर मैं गलत जानकारी दूंगा तो मेरे पास क्यों लोग देखेंगे मुझे। आज की तारीख में दोस्तों, आप सब लोगों का जो प्यार है वो इतना बढ़ गया है कि आज की तारीख में पूरे यूपी की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा आप लोगों का चैनल चल रहा है। आप लोगों का जो चैनल है, सबसे ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग इसके वीडियो देखते हैं। लोग कहते हैं कि दुकान पर बैठकर वीडियो बनाते हैं। आप लोग दुकान पर बैठकर भी अगर मैं वीडियो बनाता हूं तब भी मेरी जानकारी को प्यार देते हैं। ठीक है, आपको पता है मैं किस तरीके से मेहनत करता हूं और आप लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को मैं अपने दिल से कहना चाहता हूं। किसान भाइयों, आप लोग जो प्यार देते हैं, जो मेरी बात मानते हैं, इससे भी मेरे को काफी खुशी मिलती है। और दूसरा क्या है, मैं कभी भी किसान हित के अलावा कोई भी काम करता नहीं हूं, ना मैं कभी भी किसी अगर कोई भी ऐसी खबर का प्रचार प्रसार करता हूं जिससे मेरे किसान भाइयों को नुकसान हो। ठीक है, कभी कभी मैं दोस्तों आपके हित के लिए कभी कुछ मैं झूठ भी मुझे बोलने पड़ते हैं, पर मैं सारा हित मेरे लिए सिर्फ किसान का है, बाकी मुझे कोई भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। कभी क्या होता है दोस्तों, कभी किसी मंडी में कुछ माल पहुंच गया ऊंचा नीचा, तो माहौल खराब करने के लिए उस मंडी का सहारा लिया जाता है। तो मेरे को उस मंडी का जो जानकारी है दोस्तों, वो कुल ऊंचा नीचा करके भी दोस्तों देनी पड़ती है। ये मैं किसान हित के लिए काम करता हूं। कभी भी मैं किसी को गलत जानकारी देने की कोशिश नहीं करता हूं और हमेशा किसानों के हित में काम करना चाहता हूं दोस्तों। इसीलिए आप लोगों का प्यार ऐसे ही बरकरार रहता है। इस समय जो अपने चैनल का जो रियल टाइम है वो 1 लाख से ऊपर चल रहा है दोस्तों। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप लोग कितना मुझे प्यार देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका प्रमाण कहीं देने की जरूरत नहीं है, वो तो आप लोगों का प्यार जो व्यूज के रूप में आप लोग मुझे दिखा देते हैं और लाइक के रूप में एक एक वीडियो पर मेरे 2500-2500 लाइक दोस्तों आते हैं। और ये रिकॉर्ड है एक तरह का, सारे यूट्यूब चैनल वाले अपने गलेबान में देखकर झांक कर देख ले जो किसान के विरोध में काम करते हैं। और दोस्तों, वो अपने आप को धुरंधर जरूर समझें, वो ये समझें कि हम बहुत बड़े यूट्यूब चैनल हैं, हमारे पास हम बहुत पुराने हैं, या हमारे पास हम बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, या हमारे पास हम घूम घूम कर वीडियो बनाते हैं, हम खेतों में जाते हैं, हम वहां जाते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों को भी ये जानकारी नहीं है कि खेतों में जाने वाला काम जिस तरीके से दोस्तों मैंने किया, मैं हसन गया। इस बार मेरी कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी बन गई कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर दोस्तों हसन से लेके पंजाब तक और जितने भी दोस्तों जो एरिया आलू के हैं, आप लोगों को मैंने वहां खुद जाकर दिखाया। हसन का मैंने वीडियो डाले थे 2 साल पहले। आप लोगों ने एक एक चीज आपको मैंने बारीकी से दिखाई कि हसन में आलू कैसे लगता है, कैसे हसन के नाम पर किसानों को डराया जाता है। तो डराने वाले बहुत है। एक सबसे बड़ा एक काम किसानों ने अभी इस समय किया है दोस्तों, कि जो किसान आज दोस्तों किसान भाई समझदारी जो दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों पे कोल्ड स्टोरों पे जो बिक्री हो रही है सुचारू रूप से हो गई है, निकासी बरकरार चल रही है, बढ़िया मंडियों में माल बहुत अच्छे पहुंच रहे हैं और रेट बहुत अच्छा है दोस्तों। क्योंकि किसानों ने सस्ता बेचना बंद कर दिया, मंडी के आढ़तियों को पता चल गई कि अगर हम सस्ता बेचेंगे तो आलू नहीं आएगा। कल दिल्ली के एक आढ़तियों का मैं वीडियो देख रहा है 1-2 दिन पहले का, उन्होंने कहा कि हम सस्ता बेचेंगे तो हमारे आलू ही नहीं आएगा। तो ये सही बात है दोस्तों, अगर किसान सस्ता नहीं बेचेंगे, अगर किसान सस्ता बेचेंगे तभी सस्ती मंडियों में आलू पहुंचेगा। अगर किसान महंगाई रखेंगे तो या तो मंडी को बदलना पड़ेगा, मंडी को रेट तेज करने पड़ेंगे, या मंडी दूसरी व्यापारी को बदलनी पड़ेगी। और ऐसे विकल्प है इस दुनिया में आज की तारीख में कि कोई भी किसी एक जगह के लिए बंधुआ नहीं है। कहीं भी आलू की बिक्री और बेच के आदमी अपना काम चला सकता है दोस्तों। किसान हित में जो भी काम करना पड़ेगा वो हम लोग करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। और यूट्यूब चैनल वालों में हमें यही अंतर है, कुछ लोग रिपोर्टर हैं, कुछ लोग रिपोर्टिंग काम करते हैं। मैं रिपोर्टर नहीं हूं, ना मैं कोई बहुत मीडिया वाला हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं सिर्फ किसान के हित में एक अवेयरनेस फैलाने का काम करता हूं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद किसान हूं, कृषि से जुड़ा व्यापार करता हूं, कृषि से जुड़े क्षेत्र में रहता हूं। अगर किसान खुशहाल रहेंगे तो पूरा क्षेत्र खुशहाल रहेगा, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बात करें दोस्तों, मंडियों में शानदार आलू की डिमांड है और ऐसी डिमांड आलू की रहनी चाहिए। पुराने रेट दोस्तों लौट के आ गए हैं, पुराने रेट सभी मंडियों में जहां तक है दोस्तों लौट के आ गए हैं।
किसानों में घबराहट कम हुई है, लोग कह के निकासी कम नहीं है, तो मंडियों में आलू भी दोस्तों धुआंधार पहुंच रहा है। फिलहाल आज दोस्तों विश्वकर्मा पूजा बता रहे हैं तो आज मंडियां कुछ बंद है, तो इसकी वजह से दोस्तों जो जो मंडी खुली है मैं उनके भाव आपको अपडेट कर देता हूं। और गुल्ले के बारे में कई कमेंट आ रहे थे कि और फोन भी आया शर्मा जी गुल्ले के रेट कब सुधरेंगे, जल्दी ही दो एक दिन में आपको गुल्ले के रेट सुधरे हुए मिलेंगे, घबराने की ठीक है। अपने आलू के हिसाब से अपने आलू को देखकर आलू की बिक्री धीरे धीरे करते रहो, हर मौके का दोस्तों फायदा लेते रहो। ये चीजें आप बताने वाली नहीं है आप लोगों को, आपको पता है कि स्टॉक कितना है, आपको ये भी पता है कि आलू की बिक्री आपको कैसे करनी है, तसल्ली से अपना काम करते रहो बिना घबराहट के, ठीक है, अपना समय के अनुसार अपना देखभाल करो, ठीक है, जिससे बाद में आपको किसी के ऊपर कोई ठीकरा फोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपका नुकसान आपका फायदा सब आपको झेलना है। कोई भी यूट्यूबर कोई भी आपको मिसगाइड करने का जरूर काम कर सकते हैं यूट्यूबर, पर आपको कभी फायदा दिलाने का या आपके घाटे का पूरा कोई नहीं बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मंडियों के दोस्तों भाव की अगर हम बात करें, हम तो ये चाहते हैं कि किसान तय करे कोल्ड स्टोर पे आलू की बिक्री क्या रेट हो और उसके बाद मंडियां तुम्हारे हिसाब से चले, ना कि तुम्हें मंडियों के हिसाब से चलना पड़े। मेरे जितने भी सम्मानित व्यापारी हैं कोल्ड स्टोर मालिक हैं, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग एक ऐसी व्यवस्था बना के तैयार करो कि हाँ मैं अगर आलू 1500-1400 रुपए इकट्ठा कोई व्यापारी खरीद रहा है तो मंडी वाले से कह दे मैंने 1400 खरीदा आप इस रेट बेचना है आपको, ठीक है। आप लोग उस तरीके से ना कि मंडी आपको चलाए आप मंडियों को चलाएं, क्योंकि आप लोग शुरुआत हो यहां से, किसान पैदा करके ला रहा है सबसे पहला स्टेप, उसके बाद आप लोग आलू खरीद रहे हो, कोल्ड स्टोर मालिक सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं आलू को ठंडा कर रहे हैं, उसके बाद आलू की बिक्री करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मेन हो, ना कि कोई मंडी में बैठा आढ़तिया मेन है, तो आपको रेट तय करना है कि हम इस रेट अपना आलू बेचेंगे, ठीक है। नहीं तो दोस्तों एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि कभी कभी किर्री भाड़े भाड़े में चली जाती है, कभी कभी 20 रुपए कट्टा जाती है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है दोस्तों वही किर्री 800 रुपए 700 रुपए कट्टा बिक जाती है। तो मेरे किर्री या मेरा गुल्ला बिकने के लिए नहीं है, मेरा किर्री गुल्ला इस रेट है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो ना तो मेरे को 20 रुपए कट्टा बेचना है ना मुझको 10 रुपए कट्टा बेचना है, मेरे को तो गौशाला में देना मंजूर है, सस्ता बेचना मंजूर नहीं है, ठीक है, ये स्थिति है। ऐसी अगर परिस्थिति कोई भी आगे पीछे बनती है तो कभी भी मंडी के भाव की बात करें 17-9 दोस्तों हो गई है 17 सितंबर, एक्सेस ओवर आलू आज चेन्नई में 32-33 रुपए किलो बिके हैं दोस्तों, 34 रुपए किलो तक बिके हैं आगरा के 16-17 गाड़ियां आज, हल्की क्वालिटी का आलू 30-31 रुपए और हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं 28-29 रुपए। तिरछी मंडी 9 गाड़ी एक्सेस ओवर आलू 33-34 हल्की क्वालिटी का 29-30, मधुरी मंडी बढ़िया आलू 35-36 हल्की क्वालिटी का 32-33 रुपए किलो, बेंगलोर मंडी एक्सेस ओवर आलू दोस्तों बिक रहा है आज 30-31 रुपए हल्की क्वालिटी का 28-29 रुपए किलो, बेंगलोर मंडी में आज बिक्री बंद है, त्योहार का बहुत बड़ा असर होता है दोस्तों, गणेश चतुर्थी वगैरह चल रही है, ठीक है, और तो इस वजह इस चीज का बहुत बड़ा असर पड़ता है दोस्तों, आज मेरे ख्याल से विसर्जन भी होगा मुझे लग रहा है ऐसा, तो इस चक्कर में दोस्तों क्योंकि गणेश चतुर्थी अपने यहाँ से ज्यादा महाराष्ट्र और इधर साउथ वाउथ में बहुत ज्यादा मनाई जाती है धूमधाम, तो गणेश जी भगवान हमेशा शुरुआत ही उनके नाम से होती है, ठीक है, तो वो तो हमेशा ही किसानों पर मेहरबान रहेंगे। और बात करें दोस्तों पूना मंडी की, तो कोई भी दोस्तों जानकारी अगर उधर उधर हो जाया करे तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। बात करें दोस्तों पूना मंडी की, तो पूना मंडी में आज 17-18 गाड़ी आगरा का आलू 29-31 रुपए तक वीआईपी, हल्की क्वालिटी का 27-30 रुपए बिक रहा है, हाइब्रिड आलू 24-27 बिक रहे हैं। बात करें जयपुर मंडी की, तो जयपुर में 75 गाड़ी की अच्छी आमदनी है, हॉलैंड आलू 25-26 रुपए तक बिके हैं दोस्तों, हल्की क्वालिटी का 23-24 रुपए बिक रहा है, मोटा आलू बढ़िया 25-26 हल्की क्वालिटी का 24-25 हेलो, और दोस्तों हल्के बुलके आलू कोई बिक रहे हैं 18-20 रुपए 21 रुपए, दागी दुगी हो हाइब्रिड हो, ठीक है। बात करें कानपुर मंडी की, तो आज दोस्तों कानपुर मंडी में 1 रुपए की तेजी है, 35-30 गाड़ी है, गुल्ला वीआईपी बिक रहा है 22-23 रुपए। मैं गुल्ले की तेजी की इसलिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, कानपुर में दोस्तों सुधार आ गया है गुल्ले में, ठीक है। और आप लोगों को मैं दोस्तों बता देता हूँ कि हल्की क्वालिटी का गुल्ला 19-21 रुपए, मोटा आलू बिक रहा है 22-24 रुपए हल्की क्वालिटी का 19-21 रुपए, हॉलैंड बिक रहा है 24-25 रुपए हल्की क्वालिटी का 22-23 रुपए, सिंदूरी बिक रहा है 22-23 रुपए हल्की क्वालिटी का 19-21 रुपए, लगभग 35-40 गाड़ी की दोस्तों आमदनी है। कानपुर में रेट सुधरे, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से जितना मेरे को नॉलेज है, मुझे लगता है गुल्ले के रेट दोस्तों दोबारा पुराने वाले आ जाएंगे। दिल्ली आजादपुर 119 गाड़ी है, दिल्ली आजादपुर का वीडियो आज मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि दिल्ली के एक आढ़ती है, उन्होंने आज एक सही जानकारी दी लेट जो फसल है उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी दोस्तों हमारे विकास भाई हैं वो गए पूना होशियारपुर, उन्होंने एक पूरी व्यवस्था करके तरीके से दिखाया कि क्या स्थिति है वहां पर, उसका इतना बड़ा फर्क पड़ा आज माहौल में आलू के में कि जो लोग अगेती फसलों को दिखाकर किसानों के अंदर डर पैदा करने वाले कर रहे थे, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो दिल्ली के आढ़ती हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोल्ड मालिक हो, चाहे व्यापारी हो, ठीक है, मुझे तो इस बात के दोस्तों दुख होता है
कि YouTube चैनल वाले भी इस काम में लिप्त हो जाते हैं। किसान तुम्हारे वीडियो सबसे ज्यादा देख रहे हैं, किसान तुम्हारे वीडियो देख रहे हैं तब तुम उनसे पैसा कमा रहे हो, उसके बाद भी तुम किसान के हित में काम नहीं कर रहे हो तो क्या सोच के बैठे हुए हो? ठीक है, अब ज्यादा कम मैं कहूंगा तो लोगों को मिर्चें लगती हैं। और दोस्तों एक बात और मैं क्लियर कर दूं, मेरे लिए कोई सगा नहीं है, एक बात क्लियर कर दूं, ना तो कोई यूट्यूब चैनल वाला, ना कोई कोल्ड स्टोर मालिक, ना कोई व्यापारी, मेरे लिए किसान सगे हैं। और किसान जो सही बात है वो किसानों के लिए करता हूं दोस्तों, मैं मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आप ये कहो कि कोई गलत काम कर रहा है तो चाहे मेरा कोई सगा है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। आप अच्छे हो तो आपकी तारीफ भी होगी, आप कहीं गड़बड़ भी करोगे, चाहे कोई यूट्यूब चैनल वाले हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोल्ड वाले, तो आपकी बुराई भी होगी, ठीक है। दोस्तों बात करें जोधपुर की तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 25 से 26 हल्की क्वालिटी का 23 से 24 रुपए, नासिक का एक्स्ट्रा सुपर आलू 29 से 30 हल्की क्वालिटी का 26 से 27, मुंबई मंडी आज दोस्तों बंद है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं शुरू में इतना बखान मैंने इसलिए किया अपना, लोग कहेंगे कि बड़ा अपनी तारीफ कर रहे हो, तारीफ आप लोग करवाते हो, आप मेरे वीडियो देखते हो, आप इतना प्यार देते हो, आप सारे ग्रुपों में शेयर करते हो, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कराते हो लोगों को भेज भेज के, तो आप लोग कराते हो तारीफ के काम, तो ये सारा श्रेय आपको जाता है, जितने ही मेरे किसान भाई हैं उनको, ठीक है। और आप लोगों की ताकत है जो आज आपने अपना एग्री बड़ी अध्यक्ष जो चैनल है वो आज नंबर 1 पे चल रहा है आपका पूरे यूपी में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और बिहारी जी की कृपा आप सभी किसान भाइयों पर बनी रहे, मैं तो यही आशा करता हूँ। जय कैला भैया, धन्यवाद।